तो दोस्तों, ये हमारा उत्तराखंड सामान्य ज्ञान जो हमारी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है उसका ये अध्याय 5 है। इस अध्याय में मैंने उत्तराखंड की मिट्टी, कृषि, पशुपालन एवं सिंचाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पहले एग्जाम में बन चुके हैं और जो बन सकते हैं वो शामिल किए हैं। गाइस, इसके पार्ट 3 पार्ट आएंगे और ये पहला पार्ट है। बनाने को तो मैं एक पार्ट में ही बना दूँ लेकिन उससे वीडियो लंबी होगी। वीडियो लंबी का तो कोई नहीं, बट आपको रिकॉग्नाइजेशन में डिफ़िकल्टी बढ़ेगी। कैसे? अगर जितने कम क्वेश्चन होंगे उतने क्वेश्चन याद करने में ज़्यादा आसानी रहती है। जितने लंबे क्वेश्चन होंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे, उतना आप ऊपर के क्वेश्चन को भूलते जाएंगे। तो ऑलमोस्ट 3 पार्ट में पूरा कवर हो जाएगा, ये टॉपिक पूरा हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों की अधिकांश मृदा का पीएच मान है तो 5.5 और 6.5 के मध्य, 5.5 एवं 6.5 के मध्य। पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीनुमा खेती के लिए सीढ़ियाँ अधिक से अधिक कितने प्रतिशत भूमि के ढाल तक बनाई जानी चाहिए? तो वह ढाल है 15%। याद रखिए 15% ढाल पर बनाई जानी चाहिए। कौन सी फसल राज्य के तराई क्षेत्र में अप्रैल माह में फूल आने की अवस्था में दिखती है? तो वह सूर्यमुखी। किस माह में दिखती है? अप्रैल माह में। कब फूल आने की अवस्था में? कौन? सूर्यमुखी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्र के कृषि में मानव श्रम का प्रमुख योगदान उपलब्ध कराया जाता है? तो गाइस लगभग अप्रॉक्स 60% जो वर्क है वो महिला कर्मकारों के द्वारा, 60% जो वर्क है वो महिला कर्मकारों के द्वारा किया जाता है। राज्य में दूध एवं दुग्ध उत्पादों को किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? ब्रांड तो बहुत है गाइस, जो मेन है वो है आंचल ब्रांड। याद रखिए ऑप्शन में आपको यही मिलेगा अधिकतर केसेस में। जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए किस राज्य ने अपने को जैव राज्य घोषित किया? गाइस ये जो नहीं है, ये जैव राज्य है। तो जैव राज्य किसने घोषित किया? उत्तराखंड की बात कर रहे हैं हम, तो उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जिसने अपने को जैव राज्य घोषित किया है। क्यों? जैव कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए। उत्तराखंड में उगाई जाने वाली फसलों में सबसे महत्वपूर्ण समूह है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण समूह है वो है गेहूँ, धान, मड़ुआ और आलू। गेहूँ, धान, मड़ुआ और आलू। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है सही में? 6.6 मीटर ऊंचाई का एक पौधा उगाने के लिए जो था मिर्च का। याद रखिएगा, इस गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अल्मोड़ा दर्ज है। क्यों? क्योंकि उसने एक मिर्च का पौधा उगाया था जिसकी हाइट कितनी थी? 6.6 मीटर। याद रखिए, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड में कृषि भूमि नापने का पैमाना है, तो उत्तराखंड में कृषि भूमि हमको पता है किससे नापते हैं? हम नाली व मुट्ठी से। याद रखिए, नाली व मुट्ठी से उत्तराखंड में कृषि भूमि नापी जाती है। और एक इम्पोर्टेंट है कि एक नाली में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो एक नाली में 200 वर्ग मीटर होते हैं। उत्तराखंड में कृषि योग्य भूमि है तो लगभग जो 13% भूमि उत्तराखंड में कृषि योग्य है। किस जिले को भारत सरकार ने लीची निर्यात जोन में शामिल किया है? याद रखिएगा, ये उत्तराखंड सरकार नहीं, भारत सरकार बोल रहा है। तो भारत सरकार लीची निर्यात जोन में देहरादून, याद रखिए देहरादून जिले को। उत्तराखंड में एक नाली जमीन कितने वर्ग मीटर के बराबर होती है? तो एक नाली जमीन 200 वर्ग मीटर के बराबर होती है। कौन सा 2 वर्षीय फसल चक्र उत्तराखंड के वर्षा आश्रित क्षेत्रों में लोकप्रिय है? तो वैस पूछा गया है 2 वर्षीय फसल चक्र, तो धान, फिर गेहूं, मड़ुआ, पड़ती। याद रखिए ये आपके ऑप्शन है, ये राइट आंसर है इसका। उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है, तो उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है, सबको पता है, खाद्यान्न के भंडारण हेतु। याद रखिए, जो खाद्यान्न होता है उसके संग्रह हेतु भकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। मेंथा फसल की रोपाई का समय है, तो वैसे मेंथा फसल की रोपाई का समय है 15 से 30 जनवरी। याद रखिए 15 से 30 जनवरी। ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है, तो वैसे हरिद्वार उद्भव स्थान है, मतलब ऊपरी गंगा नहर कहाँ से निकलती है? हरिद्वार। विकेट बंदोबस्त कब हुआ था? तो विकेट बंदोबस्त हुआ था 1863 से 1873 में। राज्य में उत्पादित मड़ुआ कोदा अनाज का निर्यात किया जाता है, तो गाइस याद रखिए मड़ुआ को और किस नाम से जाना जाता है? कोदा। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है, जापान से इसका निर्यात किया जाता है। याद रखिए गाइस, राज्य में उत्पादित मड़ुआ कोदा अनाज का निर्यात किया जाता है, कहाँ से? जापान। तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फार्मर्स टू फार्मर अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया था, तो 2005-06 में। क्या तकनीकी हस्तांतरण योजना के तहत 670 न्याय पंचायतों में फॉर्मर टू फॉर्मर अप्रोच कार्यक्रम शुरू किया गया था? कब? 2005-2006 में। राज्य में चाय की खेती को 1824 में सर्वोत्तम
शुरू करा है। तो किसने शुरू करा है? विषव हैवर एक व्यक्ति थे, उन्होंने उत्तराखंड राज्य में सर्वप्रथम चाय की खेती को शुरू करा है। और कब शुरू किया गया? 1824 में। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि उत्तराखंड में चाय की खेती सर्वप्रथम कब की गई? 1824 ईस्वी में की गई। किसके द्वारा की गई? विषव हैवर नामक व्यक्ति द्वारा की गई। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।